करनाल मूनक नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में भाई बहन गिर गए हैं। इस दौरान भाई की मौत हो गई है। आपको बता दें कि करनाल के गांव निसिंग से राजू नामक एक युवक पानीपत के गांव रेरकला में अपनी बहन को लेने आया था। बताया जा रहा है कि राजू की बहन सुमन का ससुराल में कई दिनों से घरेलू कलेश चल रहा था। जब राजू अपनी बहन को लेकर मूनक नहर के पास पहुंचा तो अचानक राजू की बाइक पर बैठी सुमन नहर में गिर गई, जिसको बचाने के लिए राजू भी हेलमेट लगाए नहर में कूद गया, लेकिन पानी के तेज बहाव में वह खुद को नहीं संभाल पाया। वही नहर किनारे ये सब देख लोगों ने नहर में कूदकर बुजुर्ग सरदार की पगड़ी के सहारे लड़की को बचा लिया, लेकिन जब तक राजू को बाहर निकाला देर हो चुकी थी। नहर में डूबने से राजू की जान चली गई। वहीं इस मामले में लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर साजिश के तहत हत्या करने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लड़की के ससुराल वाले लगातार लड़की को प्रताड़ित करते थे। 12 साल पहले लड़की सुमन की शादी रेरकला में हुई थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में रखवा दिया है। परिजन पुलिस से निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तलाश में जुटी है। 10-12 साल हो गए थे लड़की की शादी करी थी जी हमने, जब इसे जो है इनका झगड़ा चल रहा था आपस में, इसके माँ बाप इसकी सारे के सारे इसको जो है लड़की का हिसाब किताब थोड़ा सेहत के हिसाब से कम है, उससे काम लेवर ज़्यादा इतना बड़े नहीं था उससे जो है, तो इन्होंने शुरू से जो है वहाँ ससुराल में रखा रही इसको, उसमें भी केस चला अपना कौन सी हुआ ये महिला मंडल में भी वहाँ भी चला, निसंग थाने में भी रहा है जी, फिर भी समझा अब जाकर पंचायत के थ्रू चलो ले लीजिए, दोनों बच्चे वहाँ पैदा करवाए, 2.5 साल के बच्चे हो गए जब ले आया वहाँ, तो ये 1 किलो की तक नहीं दिया इसने खाने के लिए। अब कल जो है गाली गलौच दी इसने अपनी सास को, अभी आकर इसने लड़की ने ले जो, वो लड़का लेने के लिए आया है जी, अंदर घुसने नहीं दिया, तो ये लेकर चला वहाँ और आकर अपना नहर में जो है पता नहीं, हमने नहीं पता आगे किस तरह क्या हुआ, धक्का दिया कैसे पड़ी वो अभी पता नहीं उसका किस तरह हुआ। लड़की गिरी पहले, फिर ये लड़के ने जो है हेलमेट मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी, मोटरसाइकिल से इस तरह जो है नहर में जो है वो लड़की को बचाने के लिए जो है छलांग लगाई, उसके बाद वो गुजर गया। शादी कब हुई थी, कितने बच्चे थे? शादी 10-12 साल, दो लड़के हैं जी, 10-12 साल हो गए। लड़की कहाँ की और कहाँ शादी की थी? लड़की निसंग रहे जी इसकी माँ, ये रेर में है शादी इसकी, रेर हाँ, ये लड़का रिफाइनरी में लग रहा। तो क्या आशंका है आपको कि हत्या की गई है? बिल्कुल जी है, जब कलेश रहे तो शुरू से इतनी है, तो फिर अब क्या हम तो ये अंदाजा लगाएंगे, हम तो यही कह सकें जी, इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछताछ हो, पुलिस जो है रिजल्ट निकाल लो इसका जो है आशंका। सुमन ये जी, जब हमें टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि भाई हमारे एरिया में एक डेड बॉडी है जो पानी में डूबने के कारण जो इसकी डेथ हो गई है, जब हम मौके पर पहुँचे तो इस डेड बॉडी को नहर से बाहर निकाल के रखा था और साथ में इसका हेलमेट पड़ा हुआ था, और वो जो मौके पर थे दो लड़के वो हमें मिले, वो बोले जी हमने निकाला इस डेड बॉडी को, जो हेलमेट पहना हुआ था उन्होंने बताया, हेलमेट पहना हुआ था और ये लाश है ना तृतीयारी थी परली साइड से अपने मुनक की तरफ से, और उन्होंने निकाल लिया। वो बोल रहे थे कि एक लड़की थी जो उन दोनों लड़कों ने उसको भी निकाला, वो जिंदा बच गई, इतने से लड़के को निकाला इसकी डेथ हो चुकी थी। तो पता चला जी कैसे इनको डूबे थे? चला ये बता रहे हैं कि जो मैंने सुना भाई ये जा रहे थे, ये लड़का था ये रेरकला में अपनी बहन के घर आया हुआ था और ये अपनी बहन को लेके निसिंग जा रहा था, रास्ते में इनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। कुछ सरदार ने पगबुक खोल के बचाई, जो दो लड़के थे मौके पे जो बोल रहे हैं कि हमने बचाया था इसको, एक का नाम है पिंका, ये है मुनक का, और दूसरा सोनू, ये भी मुनक का है, ये बोल रहा था जी हमने सरदार जी की पग की सहायता से उस लड़की को बचाया। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।